This is Dr. Ramesh Arya, in the academic fraternity, I am usually recognized with my initials, Dr. R. K. Arya. At present, I proudly hold the designation of Associate Professor of Commerce at Government P.G. College, Hinsar. Including my six-year services at this premier institute, I possess 31-year experience in total. Let us start today's topic. Dear students, कंसाइनमेंट अकाउंट्स की आज की इस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स कुछ महत्वपूर्ण शब्द कहिए या पारिभाषिक शब्द कहिए वो हम डिस्कस करेंगे तो इन टर्म्स को समझना जरूरी है जैसे परफॉर्मा माइनवाइस है सूचनार्थ बीजक जैसे अकाउंट सेल्स है विक्रय विवरण और इन दोनों में अंतर क्या है डिफरेंस क्या है कंसाइनी को जो कमीशन दिया जाता है वो कितने प्रकार का होता है कैसे उसकी हम गणना करते हैं इसके साथ साथ आपको बताएंगे एक्सपेंसिज ऑन कंसाइनमेंट प्रेशन पर व्यय ये दो प्रकार के होते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसिज एंड रेकरिंग एक्सपेंसिस दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आज की क्लास में लास्ट पॉइंट जो हमारा है एडवांस के के बारे में डिस्कस करेंगे अग्रिम भुगतान जो कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को दिया जाता है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको बताएंगे जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले के वीडियो में हमने कंसाइनमेंट अकाउंट की क्लास में डिस्कस किया था कि कंसाइनमेंट क्या होता है उसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है उसकी मेन फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था उसके महत्व के बारे में डिस्कस किया था और सेल्स में और कंसाइनमेंट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में डिस्कस किया था जो इस वीडियो को भी आप अवश्य देखें ताकि कंसाइनमेंट को आप अच्छी तरह से समझ सकें तो शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहला टॉपिक है परफॉर्मा वाइस सूचनाथ बीजक जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है एक ऐसा बीजक जो सूचना प्रदान करने के लिए बनाया जाता है यह बीजक कंसाइनर के द्वारा बनाया जाता है जिसमें जो वस्तुएं कंसाइनमेंट पर भेजी जाएंगी उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी होती है जैसे नेम ऑफ गुड्स ब्रांड ऑफ गुड्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्वालिटी ऑफ गुड्स प्राइस ऑफ गुड्स ये सब इसमें लिखा रहता है परफॉर्मा इन्वाइस सूचनाथ बीजक कंसाइनर के द्वारा जब माल भेजा जाता है तो उसके साथ ही परफॉर्मा इनवाइस भेज दिया जाता है परफॉर्मा इन्वाइस में कुछ और सूचनाएं भी हम सम्मिलित कर सकते हैं जैसे मिनिमम सेल्स प्राइस न्यूनतम विक्रय मूल्य कि कम से कम विक्रय मूल्य गुड्स का जो अंतिम ग्राहक से चार्ज किया जाना है जिस पर कंसाइनी के द्वारा ग्राहक को माल बेचना होता है सूसनार्थ बीजक एक सामान्य बीजक एक सामान्य जो इन्वॉइस तैयार किया जाता है उससे ये थोड़ा डिफरेंट होता है भिन्न होता है क्योंकि इसमें लिखी गई राशि का भुगतान करने के लिए कंसाइनी बाध्य नहीं होता है कंसाइनी ने तो उन वस्तुओं के संबंध में पेमेंट करनी होती है जिनको उसने ग्राहकों को बेचा है जितना माल वो बेचेगा उसी के संबंध में पेमेंट करने के लिए कंसाइनी बाध्य होता है परफॉर्मा इनवाइस में लिखी हुई वस्तुओं की पेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं होता है तो ये थी हमारी फर्स्ट टर्म जिसको समझना जरूरी था और सेकंड टर्म है अकाउंट सेल्स विक्रय विवरण जैसा नाम से ही प्रतीत होता है अकाउंट सेल्स में सेल्स के बारे में विवरण दिया रहता है सेल्स की डिटेल्स इसमें रहती है और अकाउंट सेल्स से, कंसाइनी के द्वारा तैयार किया जाता है जैसे मैंने बताया कि परफॉर्मा इनवाइस कंसाइनर के द्वारा तैयार किया जाता है जैसे वो माल को भेजता है तो परफॉर्मा इनवाइस साथ में भेजता है लेकिन अकाउंट सेल्स से, कंसाइनी के द्वारा तैयार किया जाता है क्योंकि कंसाइनी के द्वारा जैसे ही माल बेचा जाता है तो उसका एक विवरण वो तैयार करता है क्योंकि सेल्स जितने माल की की है उसके संबंध में पूरा हिसाब किताब कंसाइनर को देने का उसका दायित्व बनता है और जो पेमेंट कंसाइनर को भेजनी होती है उसके बारे में अकाउंट सेल्स में लिखा जाता है तो अकाउंट सेल्स में कंसाइनी सेल किए गए माल की क्वांटिटी के बारे में यानी कि मात्रा के बारे में लिखता है उसके मूल्य के बारे में लिखता है प्राइस के बारे में लिखता है कि कितने रुपए में उसने माल ये बेचा है और उसके द्वारा कितने व्यय किए गए हैं कितने एक्सपेंसेस किए गए हैं कितना उसका कमीशन बनता है कमीशन की राशि यहाँ पर लिखता है और कंसाइनर को जो नेट अमाउंट दिया जाना है उसकी राशि भी अकाउंट सेल्स में लिखी जाती है तो अब हम समझ गए हैं कि अकाउंट्स सेल्स में सेल्स का विवरण रहता है सेल्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है, कितने रुपए की सेल हुई कितने एक्सपेंसेस हुए, कितना नेट अमाउंट कंसाइनी ने कंसाइनर को देना है अकाउंट सेल्स को हम एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑन फिफ्टींथ मार्च टू आनंद ऑफ अहमदाबाद कंसाइंड थ्री फिफ्टी फैंस टू भावना सिक्सटीन ऑफ प्रेमनगर तो बहादुरगढ़ की भावना है तीन सौ पचास पंखे अहमदाबाद के आनंद ने उनके पास भेजे हैं और आगे लिखा है ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च 2021 भावना फॉरवर्डेड एन अकाउंट सेल्स तो भावना यहाँ पर कंसाइनी है उसने अकाउंट सेल्स तैयार किया है और वो भेजा है आनंद के पास विद ए बैंक ड्राफ्ट द बैलेंस जो राशि बैलेंस की बनती है उसका बैंक ड्राफ्ट साथ में लगाया है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फर्स्ट पॉइंट है दो सौ पचास पंखे बेच दिए है पांच सौ रूपए के हिसाब से और सौ पंखे बेच दिए है चार सौ रूपए के हिसाब से सेकेंड प्वाइंट है फ्रेट रुपीज वन थाउजेंड एक हजार रूपए फ्रेट पर भाड़े पर भावना ने खर्च किए हैं अनलोडिंग चार्जेस रुपीज फाइव हंड्रेड पंखों को उतरवाई के वे हैं स्टोरेज एंड इंश्योरेंस चार्जेज रूपीज टू थाउजेंड स्टोरेज के खर्चे हैं इंश्योरेंस करवाया है भावना ने दो हजार रूपए यहाँ पर खर्च हुए हैं कमीशन ऑन सेल्स एट द रेट ऑफ टेन परसेंट तो दस परसेंट यहाँ पर भावना का कमीशन बनता है सेल्स के ऊपर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट सेल्स तो हमने क्या करना है कि अकाउंट सेल्स तैयार करना है तो बिल्कुल आसानी से आप लोग देख रहे हैं अकाउंट सेल्स का फॉर्मेट आपके सामने है सबसे ऊपर कंसाइनी अपना नाम लिखता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है भावना एड्रेस लिखा जाता है राइट साइड में सिक्सटीन प्रेम नगर बहादुरगढ़ फिर डेट लिखी जाती है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और फिर जो अकाउंट सेल्स बनाया गया है उसके बारे में लिखा जाता है कि अकाउंट सेल्स ऑफ थ्री फिफ्टी फैंस सोल्ड बाय ऑर्डर एंड फॉर अकाउंट ऑफ आनंद ऑफ अहमदाबाद और फिर डिटेल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रोस प्रोसीड फ्रॉम सेल्स की सेल्स से जो शक्ल राशि बनती है ग्रोस अमाउंट जो बनता है वो यहाँ पर लिखा गया है टू फिफ्टी फैंस एट द रेट ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड इच रुपीज वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हंड्रेड फैंस एट द रेट ऑफ फोर हंड्रेड इच रुपीज फोर्टी थाउजेंड और इस प्रकार से टोटल इनका बन गया रुपीज वन लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड और फिर एक्सपेंसेस भावना ने अपने एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखे हैं लेस किया गया है इनको लेस फ्रेट रुपीज वन थाउजेंड अनलोडिंग चार्जेस रुपीज फाइव हंड्रेड स्टोरेज एंड इंश्योरेंस चार्जेज रुपीज टू हंड्रेड कमीशन एट द रेट ऑफ टेन परसेंट ऑन रुपीज वन सिक्सटी फाइव थाउजेंड टोटल सेल आप देख रहे हैं रुपीज वन सिक्सटी फाइव थाउजेंड की है तो उस टोटल सेल के ऊपर जो कमीशन यहाँ पर टेन परसेंट की दर से बनता है वो बनता है सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेडिज में यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से आता है रूपीज वन लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड और नीचे लिखा है आप देख रहे हैं बैंक ड्राफ्ट एनक्लोज ऑफ रुपीज वन लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड और ये राशि वर्ड्स में भी यहाँ पर लिख दी गई है और भावना के सिग्नेचर यहां पर होंगे और लेफ्ट कॉर्नर में नीचे आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है ई एंड ओ ई तो ई एंड ओ ई हेयर स्टैंड फॉर एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड तो इसका मतलब यह है कि कोई गलती अगर अकाउंट सेल्स बनाने में रह गई है तो उस गलती को ठीक कर लिया जाएगा अकाउंट सेल्स के बारे में थोड़ी जानकारी मैंने आपको दी है कि किस प्रकार से अकाउंट सेल्स को बनाया जाता है तो परफॉर्मा इन्वाइस और अकाउंट सेल्स में जो डिफरेंस है वो भी हमें यहाँ पर स्पष्ट नजर आता है कि परफॉर्मा इन्वाइस है वो कंसाइनर के द्वारा तैयार किया जाता है जबकि अकाउंट सेल्स है वो कंसाइनी के द्वारा तैयार किया जाता है क्योंकि कंसाइनी सेल करता है और सेल्स का एक विवरण तैयार करता है ये कंसाइनी परफॉर्मा इनवाइस की माल कंसाइनर के द्वारा भेजा जाता है और माल की डिटेल इसमें रहती है इसलिए ये कंसाइनर के द्वारा भेजा जाता है और दूसरा डिफरेंस यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर का विषय वस्तु का हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परफॉर्मा इन्वाइस में गुड्स से संबंधित सूचनाएं है रहती हैं माल से संबंधित सूचनाएं सारी वहाँ पर रहती हैं जैसे नेम ऑफ गुड्स है ब्रांड ऑफ गुड्स है क्वांटिटी ऑफ गुड्स है क्वालिटी ऑफ गुड्स है और कई बार क्या है कि मिनिमम जो सेल्स प्राइस है वो भी लिखा जाता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स भी यहाँ पर लिखी जा सकती है जो सूचनाएं कंसाइनर कंसाइनी को देना चाहता है वो सारी सूचनाएं इसमें लिखी जाती है अकाउंट सेल्स में माल को बेचने से संबंधित सूचनाएं दी हुई होती हैं जैसे टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स टोटल एक्सपेंसिज इन कमीशन रिसिबल अमाउंट सेंड टू कंसाइनर एंड द बैलेंस अमाउंट ड्यू टू कंसाइनर तो इस तरह की चीजें सारी इसमें लिखी जाती हैं कि कितनी राशि कंसाइनर को भेज चुके हैं और कितनी राशि शेष है जो अभी देनी है ड्यू है तो उसके बारे में लिखा जाता है और नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पर किया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पेमेंट तो परफॉर्मा इनवाइस में जो राशि दी होती है उस राशि की पेमेंट करने के लिए कंसाइनी उत्तरदायी नहीं होता है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है जबकि अकाउंट सेल्स में जो नेट अमाउंट दिया होता है उसके लिए कंसाइनी पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उत्तरदायी होता है और अंतिम पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है ट इज टाइम समय तो परफॉर्मा इनवाइस एक बार भेजा जाता है जब माल कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को भेजा जाता है उसी टाइम परफॉर्मा इन्वाइस तैयार किया जाता है तो परफॉर्मा इन्वाइस कंसाइनर के द्वारा तैयार किया जाता है जब माल भेजा जाता है तो एक बार ही तैयार होता है जबकि अकाउंट सेल से समय समय पर तैयार किया जाता है कंसाइनी के द्वारा तैयार किया जाता है जैसे जैसे सेल होती रहती है जैसे जैसे हिसाब देने की बात वहां पर आती है तो अकाउंट सेल्स वहां पर बनाया जाता है नेक्स्ट जो टर्म हम यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज कमीशन कंसाइनी कंसाइनर के लिए काम करता है कंसाइनी माल बेचता है तो उसके लिए रेमोनरेशन उसको दिया जाता है तो इस रेमोनरेशन को ही हम कमीशन के रूप में जानते हैं उस रेमोनरेशन को ही कमीशन कहते हैं तो ये जो कमीशन होता है ये तीन प्रकार का होता है एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन सामान्य कमीशन दूसरे टाइप का जो कमीशन है दैट इज डेल क्रेडिट कमीशन और तीसरे टाइप का जो कमीशन है दैट इज ओवर कमीशन तो ऑर्डिनरी कमीशन सामान्य कमीशन है कंसाइनी द्वारा की गई कुल बिक्री पर यह सामान्य कमीशन दिया जाता है कमीशन के भुगतान के बारे में उसकी परसेंटेज के बारे में कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसी के आधार पर फाइनल किया जाता है शर्तें ठहराव में लिखी रहती हैं इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है जो टोटल सेल्स है उसको हम रेट ऑफ कमीशन से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं हंड्रेड से तो ऑर्डिनरी कमीशन की राशि हमारे पास आ जाती है टोटल सेल्स का मतलब यहाँ पर कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों का हम जोड़ कर लेते हैं तो टोटल सेल्स का अमाउंट हमारे पास आ जाता है तो उसके आधार पर ऑर्डिनरी कमीशन की कैलकुलेशन की जाती है तो इस कमीशन को हम जनरल कमीशन के नाम से भी जानते हैं साधारण कमीशन सामान्य कमीशन इसको हम बोलते हैं और जो दूसरी टाइप का कमीशन है डेल क्रेडिट कमीशन परिशोध कमीशन तो डेल क्रेडिट कमीशन ऑर्डिनरी कमीशन के अतिरिक्त दिया जाता है ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि कंसाइनी के द्वारा जो माल बेचा जाता है वो नकद माल भी बेचा जाता है और उसमें कुछ उधार माल भी बेचा जा सकता है तो उधार की राशि को कलेक्ट करने की जिम्मेवारी भी हम कंसाइनी की ही लगाते हैं और ये एक अलग कार्य उसको करना होता है कि जिस जिस व्यक्ति को उधार सेल उसने की है उन लोगों से वो राशि भी कलेक्ट कर ले यानी कि कलेक्शन का कार्य जो होता है वो कंसाइनी ने ही करना होता है इसीलिए उसको ये कमीशन दिया जाता है और जो खास बात यहाँ पर है जब ये कमीशन दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो बेडेट्स होंगे डेट्स की वजह से जो लॉस होगा वो कंसाइनी नहीं उठाना होता है कंसाइनी की जिम्मेवारी वहाँ पर रहती है अब बात आती है कि इस कमीशन को हम किस राशि पर कैलकुलेट करें क्या इसे सिर्फ क्रेडिट सेल्स के अमाउंट पर कैलकुलेट करना चाहिए या टोटल सेल्स के अमाउंट पर कैलकुलेट करना चाहिए अगर क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि क्रेडिट सेल्स इतने रुपए की है और ये कमीशन सिर्फ क्रेडिट सेल्स पर ही दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में हमने इसकी कैलकुलेशन सिर्फ क्रेडिट सेल्स पर ही करनी है लेकिन अगर क्वेश्चन में इस संबंध में कोई भी सूचना वहां पर नहीं लिखी गई है तो ऐसी स्थिति में इस कमीशन की गणना भी टोटल सेल्स पर ही की जाती है डेल क्रेडिट कमीशन की राशि को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए यहाँ पर यह फार्मूला दिया गया है टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेल क्रेडिट कमीशन डिवाइड बाय 100। और जब क्रेडिट सेल्स पर इसको कैलकुलेट किया जाता है टोटल सेल्स की जगह क्रेडिट सेल्स का अमाउंट लिखते हैं तो इस प्रकार से डेल क्रेडिट कमीशन की राशि की गणना हम करते हैं कैलकुलेशन उसकी करते हैं आपकी सूचना के लिए यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब एजेंट को डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे हम डेल क्रेडिट एजेंट के नाम से भी जानते हैं तो अब हम ऑर्डनरी कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन में क्या डिस्टिंक्शन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन यहां पर दिया गया है दैट इज पर्पज तो जो ऑर्डनरी कमीशन है उसका पर्पज है वस्तुओं को बेचना वस्तुओं को बेचने के लिए ऑर्डनरी कमीशन दिया जाता है जबकि डेल क्रेडिट कमीशन का उद्देश्य यहाँ पर रहता है कि जो क्रेडिट सेल्स है उधार बिक्री है उसके कारण कुछ बैड डेट्स हो गए हैं तो बैड डेट्स के लॉस की जोखिम को उठाने के लिए ये कमीशन दिया जाता है और जो सेकंड डिस्टिंक्शन का पॉइंट यहाँ पर दिया गया है दैट इज गारंटी जो ऑर्डनरी कमीशन है उसका भुगतान कंसाइनी के द्वारा माल बेचने के परिणाम स्वरूप दिया जाता है जबकि जो डेल क्रेडिट कमीशन है उसमें कंसाइनी के द्वारा ये गारंटी ली जाती है कि जितना भी उधार माल वो बेचेगा क्रेडिट सेल्स वो करेगा उस टोटल अमाउंट की कलेक्शन करके वो देगा अगर कहीं पर वो कलेक्ट नहीं कर पाता है कुछ राशि बेडेट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी वो खुद उठाता है उसकी गारंटी वो खुद देता है और थर्ड और लास्ट पॉइंट है कैलकुलेशन का तो ऑर्डनरी कमीशन की कैलकुलेशन हम एक निश्चित दर से टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स के ऊपर करते हैं जबकि डेल क्रेडिट कमीशन की राशि की गणना यदि क्वेश्चन में लिखा हो स्पष्ट लिखा हो कि इसकी गणना उधार बिक्री पर करनी है क्रेडिट सेल्स पर करनी है तो ऐसी स्थिति में क्रेडिट सेल्स पर हम करते हैं अन्यथा डेल क्रेडिट कमीशन की गणना भी कुल बिक्री पर टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स पर की जाती है एक और टाइप का कमीशन हम यहाँ पर देख रहे हैं ओवरराइडिंग कमीशन अधिभावी कमीशन जैसा नाम से ही प्रतीत होता है अधिक भाव पर बेचने के कारण कमीशन ये दिया जाता है इसीलिए इसका नाम अधिभावी कमीशन रखा गया है ओवरराइडिंग कमीशन रखा गया है तो इसमें क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट हमने तैयार किया सौ रुपये उसकी लागत है और हमने इनवाइस प्राइस निश्चित कर दिया 150 हंड्रेड फिफ्टी एक सौ पचास में वो चीज़ बेचनी है और जो कंसाइनी है वो 150 में उस वस्तु को बेचता है तो उसको सामान्य कमीशन हम दे देते लेकिन यदि वस्तु को वह 150 की बजाय 180 रुपए में बेचता है इनके 30 रुपए एक्स्ट्रा कंसाइनी ने कस्टमर से चार्ज कर लिए हैं, अधिक भाव वो तीस रुपये कस्टमर से ले लिया है तो इस तीस रुपये की राशि पर उसे ओवर कमीशन दिया जाता है परसेंटेज की जहां तक बात है ओवरराइडिंग कमीशन में परसेंटेज यहाँ पर थोड़ी ज्यादा रहती है तो तीस रुपए की राशि पर उस परसेंटेज के आधार पर हम ओवरराइडिंग कमीशन की राशि की गणना करते हैं उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो फार्मूला भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ओवर कमीशन की गणना कैसे हम करें कि टोटल एक्चुअल सेल्स और लेस करेंगे टोटल सेल्स एट स्पेसिफाइड प्राइस स्पेसिफाइड प्राइस का मतलब है कि नॉर्मल जो सेल्स प्राइस है इन वाइस प्राइस जो उसको बताया गया है उसी प्राइस से है तो उसमें से लेस कर देते हैं और डिवाइड करते हैं हंड्रेड से और मल्टीप्लाई करते हैं रेट से अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि एक वस्तु है वो डेढ़ सौ रुपये में उसने बेचनी थी और बेच दी है एक सौ अस्सी रुपये में तो एक सौ अस्सी रुपये एक्चुअल सेल्स का अमाउंट हुआ एक सौ पचास रुपये सेल्स एट स्पेसिफाइड रेट हुआ डिवाइड करेंगे इसको हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे रेट से अब जो रेट है रेट मान लीजिए 20 परसेंट यहाँ पर तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस प्रकार से अमाउंट हमारे पास जो आएगा वो आता है अमाउंट रुपीज सिक्स इनके तीस रुपए का 20 परसेंट छ रूपए हो गया तो ये तो एक आर्टिकल के बारे में हमने डिस्कस किया है अगर यहीं पर 100 आर्टिकल हैं, तो ये कमीशन की राशि बनेगी छो रुपए अगर एक हजार आर्टिकल उसने इस प्रकार से बेचे हैं तो ये राशि हो जाएगी छ हजार रूपए तो इस प्रकार से ओवर कमीशन की गणना हम करते हैं और अब हम डेल क्रेडिट कमीशन और ओवराइडिंग कमीशन में डिस्टिंक्शन यानी के अंतर के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है पर्पज का उद्देश्य का तो डेल क्रेडिट कमीशन जो है उसका उद्देश्य आपको समझ में आ गया है कि उधार बिक्री की राशि को कलेक्ट करने का कार्य कंसाइनी के द्वारा किया जाता है और यदि वहाँ पर बेडेट्स होते हैं तो उनका जोखिम कंसाइनी खुद उठाता है और ओवर कमीशन तब दिया जाता है उसका उद्देश्य ये रहता है कि बाजार में वस्तु के बिक्री मूल्य से अधिक मूल्य पर यदि कंसाइनी माल बेचेगा तो उसे ओवर कमीशन हम प्रदान करेंगे दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो डिस्टिंक्शन का बनाया गया है दैट इज गारंटी डेल क्रेडिट कमीशन में कंसाइनी उधार बेचे गए माल के पूर्ण भुगतान की गारंटी देता है जबकि ओवरराइडिंग कमीशन में इस प्रकार की कोई गारंटी वहां पर नहीं दी जाती जहां तक कैलकुलेशन की बात है डेल क्रेडिट कमीशन यदि क्वेश्चन में दिया हो कि उधार बिक्री पर इसको कैलकुलेट करना है तो ऐसी स्थिति में हम उधार बिक्री पर कैलकुलेट करते हैं और यदि क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है तो ऐसी स्थिति में डेल क्रेडिट कमीशन की गणना हम टोटल सेल्स के ऊपर करते हैं जबकि ओवरराइडिंग कमीशन की गणना वास्तविक कुल बिक्री के मूल्य और निर्धारित किए गए मूल्य के डिफरेंस के आधार पर की जाती है यानी कि जो अधिक मूल्य कंसाइनी ने ग्राहकों से चार्ज किया है वसूल किया है उसी मूल्य के ऊपर ओवर राइडिंग कमीशन की गणना की जाती है तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में है क्योंकि एग्जाम्स में हम देखते हैं कि कई बार ये डिफरेंस तीन नंबर के चार नंबर के वहां पर देखने को मिलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्सपेंसिज ऑन कंसाइनमेंट प्रेषण पर व्यय तो प्रेषण पर किए गए व्यय वो दो प्रकार के होते हैं एक है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसिज अनावर्तक व्यय और दूसरे हैं रेकरिंग एक्सपेंसिज आवर्तक व्यय यहाँ पर मान लीजिए कि अहमदाबाद का आनंद कुछ माल बहादुरगढ़ की भावना के पास भेजना चाहता है तो ये जो माल बहादुरगढ़ जाएगा ये अपने आप उड़कर नहीं जाएगा इसके लिए कुछ अरेंजमेंट हमने करना पड़ेगा या तो माल ट्रंक से जाएगा या रेलवे से जाएगा या एयर जाएगा तो मान लीजिए आनंद ने एक ट्रंक किराए पर लिया उस ट्रंक में माल को लोड करवाया लोडिंग के एक्सपेंसेस हुए ट्रक ड्राइवर को किराए का भुगतान किया रास्ते में माल को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो इसके लिए ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाया और रास्ते में कुछ और एक्सपेंसेस हुए जैसे ओक ट्राए चुंगी का भुगतान किया उत्पादन कर कोई कस्टम ड्यूटी का भुगतान किया और फिर माल को बहादुरगढ़ में भावना के गोदामों में उतरवाने का खर्च किया अनलोडिंग चार्जेस किए तो ये सब चार्जेस हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं अनावर्तक व्यय हैं या कहिए है कि एक बार होने वाले व्यय हैं ये खर्चे बार बार नहीं होते हैं माल को जब भेजा जाता है और कंसाइन के गोदाम तक माल पहुँचाने में जो खर्च आते हैं वो सारे के सारे खर्च नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस में शामिल किए जाते हैं यानी कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस माल को भेजने से संबंधित खर्चे हैं जबकि जो रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस जब माल गोदाम में पहुँच जाता है उसके बाद के जो खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे रैकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं आवर्तक व्यय होते हैं ये खर्चे बार बार होते रहते हैं ये खर्चे माल को बेचने से संबंधित हैं जैसे माल को गोदाम में रखा है तो गोदाम का किराया वो बार बार देना पड़ेगा जब तक माल नहीं बिकेगा स्टोरेज के चार्जेज हैं जहाँ पर माल स्टोर किया गया है वहाँ पर हमने वॉचमैन रखा है तो उसकी सैलरी है यानी कि चौकीदार का वेतन एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसिज हैं विज्ञापन के व्यय माल को बेचने के लिए विज्ञापन किया जाता है एक बार विज्ञापन किया माल नहीं बिका तो फिर दोबारा विज्ञापन हम करेंगे ताकि माल बिक जाए और जो सेलिंग एक्सपेंसिज हैं बिक्री व्य वो भी रैकरिंग टाइप के एक्सपेंसिज हैं और इसके अलावा कुछ और खर्चे जो माल को बेचने से संबंधित हैं वो सारे खर्चे यहाँ पर हम लिखते हैं तो नॉन रेकरिंग और रेकरिंग एक्सपेंसिस इन दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है क्योंकि नॉन रैकरिंग एक्सपेंसिज जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी लागत की गणना करने में इन खर्चों को अनुपातिक रूप से जोड़ा जाता है असामान्य हानि की गणना हमने करनी है तो इन खर्चों का अनुपातिक हिस्सा वहां पर जोड़ा जाता है क्योंकि नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस को हम लागत का हिस्सा मानते हैं इसलिए ऐसा किया जाता है तो हमने पहचान कर लेनी है कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंसिज कौन से हैं और रेकरिंग एक्सपेंसिज कौन से हैं अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि कंसाइनर ने टोटल खर्चे जो किए हैं वो इतने रुपए के किए वहाँ पर ये नहीं लिखा गया ये खर्चे किस किस मद पर किस किस आइटम के ऊपर खर्च किए तो ऐसी स्थिति में कंसाइनर के द्वारा किए गए सभी व्ययों को नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस की श्रेणी में रखा जाता है और इसी प्रकार से यदि कंसाइनी के द्वारा किए गए खर्चों की डिटेल्स वहाँ पर ना लिखी हो बल्कि टोटल एक्सपेंसिज जो कंसाइनी ने किए हैं वो अमाउंट वहाँ पर लिख दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में भी हम नोट देकर के इन सभी खर्चों को रैकरिंग एक्सपेंसेस मान सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर खर्चे कंसाइनी के द्वारा जो किए जाते हैं उनकी जो नेचर होती है प्रकृति होती है वो रैकरिंग टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं और अब आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है उसे भी हम जल्दी से यहाँ पर समझ लेते हैं दैट इज़ एडवांस यानी कि अग्रिम जब कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी के पास माल भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में कंसाइनर ये चाहता है कि भेजे जाने वाले माल की कुल लागत का एक परसेंटेज के रूप में उसे राशि एडवांस में मिल जाए इस प्रकार की शर्त कंसाइनर की तरफ से लगाई जाती है तो ऐसी स्थिति में कंसाइनी कंसाइनर के पास निर्धारित राशि नकद रूप में या बैंक ड्राफ्ट के रूप में या बिल रिसीवल के रूप में भेजता है एडवांस में जो राशि इस प्रकार से भेजी जाती है उसे कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं लिखा जाता है बल्कि जो कंसाइनी का खाता होता है वहां पर उस राशि को रिकॉर्ड किया जाता है एक बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं गुड्स ऑफ रुपीज एटी थाउजेंड आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू प्रकाश हुए सिक्सटी परसेंट गुड्स ऑफ रुपीज फॉर रुपीज सेवेंटी थाउजेंड तो साठ परसेंट वस्तुएं बेच दी हैं सत्तर हजार रुपये में और टोटल अस्सी हजार रूपए का माल प्रकाश के पास भेजा गया था कंसाइनर वांट्स दैट टेन परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स शुड बी कैप्ट एज एन एडवांस विद हिम एज सिक्योरिटी तो कंसाइनर की शर्त है कि वस्तुओं के मूल्य का दस परसेंट के बराबर राशि उसके पास सिक्योरिटी के रूप में एडवांस में जमा रहनी चाहिए एक्सपेंसिज एंड कमीशन ऑफ प्रकाश आर अमाउंटेड टू रुपीज टेन थाउजेंड कैलकुलेट अमाउंट टू बी सेंट बाय द कंसाइनी जो प्रकाश के खर्चे हैं या उसका कमीशन है वो राशि दस हजार रूपये बनती है और हमने कंसाइनी के द्वारा भेजी जाने वाली राशि की गणना करनी है तो किस प्रकार से हम गणना करेंगे क्योंकि सिक्सटी परसेंट माल यहाँ पर बेचा गया है और फोर्टी परसेंट माल अभी प्रकाश के पास है फोर्टी परसेंट गुड्स के टोटल अमाउंट का जो टेन परसेंट बनता है वो सिक्योरिटी के रूप में वो कंसाइनर के पास रहेगा तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स रुपीज सेवेंटी थाउजेंड और इसमें से लेस करेंगे अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिज एंड कमीशन जो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ था रुपीज टेन थाउजेंड दस हजार रुपये लेस करेंगे और जब शुरू में कंसाइनर ने अस्सी हजार रुपये का माल भेजा था तो ऐसी स्थिति में प्रकाश ने अस्सी हजार का दस परसेंट यानी कि आठ हजार रुपये एडवांस के रूप में वहाँ कंसाइनर के पास जमा करवाए होंगे तो आठ हजार रुपये में से जो सिक्सटी परसेंट राशि है कि साठ परसेंट गुड्स बिक चुकी हैं तो साठ परसेंट राशि यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी क्योंकि अब फोर्टी परसेंट गुड्स वहाँ प्रकाश के पास बिना बिकी शेष रहती हैं तो फोर्टी परसेंट गुड्स के बारे में ही एडवांस की राशि कंसाइनर अपने पास रख सकता है तो ये जो 60% परसेंट गुड्स के बारे में एडवांस की राशि है उसको भी यहाँ पर लेस किया जाएगा तो यहाँ पर लिखा है कि एडवांस डिपोजिटेड 10% परसेंट ऑफ रुपीज फोर्टी एट का मतलब है कि अस्सी में से अड़तालीस हजार का माल बिक चुका है तो इसलिए ये चार हजार आठ सौ रुपये इनके दस परसेंट ऑफ रुपीज फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज़ फोर थाउजेंड एट हंड्रेड इस अमाउंट को भी हमने लेस करना है तो इस प्रकार से जो टोटल अमाउंट लेस किया गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो प्रकाश के द्वारा कंसाइनर के पास भेजा जाएगा अमाउंट टू बी सेंट बाय प्रकाश रुपीज फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड और जो रिमेनिंग गुड्स जो रह गई हैं प्रकाश के पास वो आप देखते हैं कि फोर्टी परसेंट माल रह गया है तो अस्सी हजार का फोर्टी परसेंट हम देखते हैं तो बत्तीस हजार रुपये थर्टी टू थाउजेंट वो बनता है और थर्टी टू थाउजेंट का टेन परसेंट यानी कि रुपीज़ थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एडवांस में जो राशि है वो अभी भी कंसाइनर के पास रिमेनिंग वहाँ पर जमा है सिक्योरिटी के रूप में यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो एडवांस में अमाउंट कंसाइनर के पास जमा रहता है अगर वो सिक्योरिटी के रूप में ना हो तो ऐसी स्थिति में इनके एक सिंपल एडवांस में राशि भेजी थी वो सिक्योरिटी के रूप में नहीं भेजी थी तो ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी राशि वहाँ पर एडजस्ट कर दी जाती है तो फिर जो है यहाँ पर अगर ऐसी बात होती तो इस एग्जाम्पल में हम पूरे आठ हज़ार रुपये एडजस्ट कर देते हैं लेकिन एक सिक्योरिटी के रूप में राशि टेन परसेंट की वहां पर रखी जाती है ऐसी शर्त लगाई गई है कंसाइनर के द्वारा इसलिए यहां पर चार हजार आठ सौ रुपये ही लेस किए गए हैं पूरे आठ हजार रुपये यहाँ पर लेस नहीं किए गए हैं तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स आज हमने इस क्लास में डिस्कस की है और मैं समझता हूँ कि इन सभी टर्म्स के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है यदि फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है कोई क्वारी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे अवश्य लिखें हम आपके क्वेश्चन का जवाब अवश्य देंगे जरूर देंगे डियर स्टूडेंट्स कंसाइनमेंट अकाउंट्स में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर रहेगा कि कंसाइनर और कंसाइनी अपने बुक्स में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज करते हैं कंसाइनर अपने बुक्स में कौन कौन से खाते बनाएगा कंसाइनी अपने बुक्स में कौन कौन से खाते बनाएगा तो इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे तो नेक्स्ट वीडियो आप अवश्य देखें वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा थैंक यू वेरी मच joining the class have a nice and wonderful day jai hind